ऐसा क्या कहलाता है कि पॉपुलर एक्टर शहजादा धामी, जिन्हें शो से बाहर निकाला गया, उनको लेकर अब एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। कहा जा रहा है कि एक्टर शहजादा धामी, जिन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है से टर्मिनेट किया गया था फॉर अनप्रोफेशनलिज्म, उन्हें मिल चुका है एक नया टीवी शो। जी हाँ, आपने सही समझा, अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं इस खबर को आए हुए, और मिल चुका है शहजादा को नया शो, वो भी स्टार प्लस का नहीं बल्कि कलर्स टीवी का। स्टार प्लस और कलर्स राइवल चैनल्स हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि शहजादा को अगर दूसरे चैनल पर कोई टीवी सीरियल मिल जाए तो। शहजादा धामी और प्रतीक्षा को सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से सडनली टर्मिनेट कर दिया गया था, और शहजादा के बाहर होने को लेकर ये रीजन बताया था कि प्रोडक्शन हाउस उनसे खुश नहीं है बिकॉज ऑफ हिज अनप्रोफेशनलिज्म एंड हिज टेंट्रम्स। और इस बात को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, शहजादा धामी ने अभी सही से इस पर रिएक्ट भी नहीं किया था कि अब ये रिपोर्ट आने लगी है कि एक्टर को ऑलरेडी एक दूसरे चैनल का नया शो मिल चुका है एज मेल लीड। शहजादा के फैंस उनके लिए बहुत ज्यादा खुश हैं कि उनके करियर पर कोई बहुत बड़ा सेटबैक नहीं लगा है, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे बड़े शो, राजन शाही जैसे बड़े प्रोड्यूसर के थ्रू निकाले जाना अपने आप में एक एक्टर के करियर पर फुल स्टॉप लगा सकता है। बट लुक्स लाइक कि एवरीथिंग इज फाइन विद शहजादा, और वो जल्द टीवी पर सभी को वापस एंटरटेन करते दिखेंगे।